नमस्कार, टीवी वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर शर्मा। इस वक्त हमारे साथ माइनॉरिटी कमेटी के एक युवा समाज सेवक और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अनवर शेख मौजूद हैं। आज हम इनसे तुर्वे स्टोर और नोइंबई के परिदृश्य में तमाम सवाल उनसे पूछेंगे और जानेंगे उनका जवाब क्या है, उनकी राय, उनके पास किस तरह के विजन है माइनॉरिटी समाज को लेकर प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। तो हम सीधे आपका रूबरू कराते हैं श्री अनवर शेख साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अनवर भाई, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो दौर चल रहा है उसमें आप देखेंगे तो पूरे नोइंबई में या ये जो आसपास का बेल्ट है पनवेल तक कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी में ऐसा कोई युवा लीडर अभी खुलकर नहीं आ रहा है। आपने इसकी पहल की है, कितना आपको लगता है कि आपका समाज किस धरातल पर है इस वक्त, क्या नजरिया आपका है इस पर? एक्चुअली जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो भी युवा वर्ग है, एक्चुअली युवा वर्ग बाहर निकलना चाहता है लेकिन जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो उन्हें आगे आने नहीं दे रहे। तो मैंने सोचा क्या हम अभी इससे भी बाहर निकलना चाहिए, हमको भी आके, मतलब जब तक मैं लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा तब तक लोगों की क्या समस्या है मुझे पता नहीं चलेगी। और रहा माइनॉरिटी की बात, माइनॉरिटी का जो भी हमारा जो समाज है ये हर जगह पे हर पार्टी के साथ में डिवाइड होता है। जिन्हें जहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, ज़्यादा इज्जत मिलती है, जहाँ से उनके समाज का काम हो सकता है वो लोग वो पार्टी को जुड़े हुए लोग हैं। मेरा जन्म तुर्बे स्टोर में हुआ है। मैं नाइक साहब से मैं बहुत आकर्षित हूँ उनके कामों की वजह से, क्योंकि उन्होंने कभी किसी मतलब धर्म का या जात का कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। इसके लिए मैंने नाइक साहब के धोरण पे हम लोग ने चलने का कोशिश किया हुआ है। इसके लिए हम लोग आज बीजेपी के मार्फत से नाइक साहब से हम लोग जुड़े हुए। अक्सर मैंने देखा है जो अल्पसंख्यक समाज है वो भाजपा से बहुत दूर रहता है, लेकिन आप एकदम नजदीक हैं, इसके पीछे क्या वजह रही? नहीं देखो, एक्चुअली पार्टी तो मायने रखती है लेकिन पार्टी से ज्यादा, जैसे कि कल हम लोग राष्ट्रवादी में थे तो राष्ट्रवादी में थे तो भी हम इसी प्रकार का काम करते थे। पार्टी 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 की जगह पे है, जो आपको जो काम करने का तरीका है वो तो चेंज नहीं होता है ना। हम अगर आज मैं कल एनसीपी में थे तो भी हमारा काम करने का तरीका यही था और आज हम बीजेपी में तो काम करने का तरीका हमारा यही रहेगा। कि आपका जुड़ाव पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से रहा है और आप अब बीजेपी से, कम्युनिटी को कितना रिस्पांस दिया जाता है इन तीनों पार्टियों में? अब जो पूछ रहे हो जगह जो समाज को कौन सी पार्टी कितना रिस्पेक्ट देती है, जैसा अगर हम लोग कल दादा के साथ में जब सेने में थे तो भी हमारे को जो इज्जत मिलनी चाहिए तो हमको कल भी वही मिलती थी। जब हम एनसीपी में थे तो हमें वही इज्जत मिलती थी और आज अगर हम आज बीजेपी के साथ में भी है वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम पार्टी के साथ में या जो पार्टी के लीडर हैं उनके साथ में कैसा रहते हैं, हम लोगों के साथ में कैसा काम करते हैं, लोगों के उनके काम में हम कितने खरे उतरते हैं, उसके ऊपर हमें हमारी इज्जत उसके ऊपर डिपेंड है। चाहता हूं अक्सर ये इल्जाम लगते रहे हैं मैं अल्पसंख्यक समाज के युवाओं पर कि उनका ज्यादा ध्यान जो है वो प्रोग्रेस की तरफ नहीं, मतलब एजुकेशन की तरफ नहीं रहता बल्कि दूसरी चीजों की तरफ रहता है। आप इसे कितना सही मानते हैं और क्या कमी आपको लगती है कि अगर अल्पसंख्यक समाज का अगर युवा जो है मुख्य धारा में, जिस तरह से दूसरे कम्युनिटी के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, अगर उस मुख्य धारा में नहीं पहुंच पा रहा है, उसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? एक्चुअली हम देखते हैं जैसे कि अभी आज मुझे तीन बेटियां हैं, तो मैं मेरी बेटियों को पढ़ा रहा हूँ। ये जो पढ़ाई का जो भी है, जैसे हम बोले एजुकेशन में हम लोग पीछे हैं, एजुकेशन में बच्चा कब आगे निकलेगा, जब हमारे घर की तरह से घर की तरफ से अगर उसको सपोर्ट मिलेगा तब वो आगे आने की कोशिश करेगा। अगर हम बोलेंगे हमारा बच्चा पिछड़ा रह गया, एजुकेशन नहीं मिला, तो एजुकेशन क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग एजुकेशन दिलाने वाले जो उसके पेरेंट्स है वो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कि अगर हम बोलेंगे क्या नहीं पिछड़ा वर्ग है, अभी हमारा भी जन्म झोपड़पट्टी में हुआ है लेकिन हमने पढ़ा, हमने जो भी हमारा एजुकेशन हुआ लेकिन हमने जब जहाँ तक पढ़ाई की हमने भी सोचा क्या हमारे जो बच्चे हैं वो भी आगे जाना चाहिए। आज मेरी लड़की 12वीं साइंस में पढ़ रही है, यूपीएससी कर रही है, जो बाकी के जो मेरे दोनों छोटी बेटियां हैं मैं उनको जो उनको एजुकेशन देना है मैं उनको दे रहा हूँ। वो घर की बात होती है, हमारे घर वाले बच्चों को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो अपने कम्युनिटी में एजुकेशन को लेकर एक तरह का माइंडसेट बना हुआ उसके वजह से युवा पीछे है? हाँ, मैं इस बात को मैं बोलूंगा क्योंकि अगर आज मैं यहाँ पे हूँ, आज मैं जो इतना हिम्मत करता हूँ इसके पीछे हमारे मम्मी का पूरा हमारे को सपोर्ट है। हमारे मम्मी ने हमको इस जगह पे लाने के लिए हमारे मम्मी ने हमको हर तरह का सहकार्य किया, सपोर्ट किया। हमारे डैडी ने हमको इस चीज़ के लिए आने के लिए हमको प्रोत्साहित किया।
मतलब आज घर का सपोर्ट होने की वजह से मैं इधर हूँ, जब तक आपको आपके घर का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जहाँ जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तुर्बे स्टोर इलाका, आपको नहीं लगता कि जितना उत्थान तुर्बे इलाके का होना चाहिए था वो उत्थान अभी भी बाकी है? सही मायने में देखा जाए तो तुर्बा स्टोर का जिस तरह से उसके प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हुई है। जैसे कि आप भी अभी हम मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुधाकर जो सोनौने साहब है हमारे माजी महापौर, आप उनके वार्ड में चले जाइए, एक उधर का आप एक झोपड़पट्टी का देख लीजिए और आप हमारे झोपड़पट्टी में देखिए, आपको काफी तरह के आपको मतलब इतना हम लोग अभी जो झोपड़पट्टी में हम लोग इतने तकलीफ में, मतलब बहुत सी छोटी छोटी बातें जैसे कि जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं उनकी कोई बड़ी तकलीफें नहीं रहती है, उनकी छोटी छोटी तकलीफें रहती हैं, लेकिन जो भी उधर लीड कर रहा है वो उनके छोटी तकलीफों तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि अभी मैं बीच में जो अपने कमिश्नर साहब हैं उनको मैंने एक लेटर दिया हुआ है, जो हमारे आमदार साहब हैं नाइक साहब ने उनको पर लेटर दिया हुआ है कि आज भी लोग बोरिंग का पानी पी रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आप पानी के लिए आप किसी को भी मना नहीं कर सकते, फिर अनलीगल हो या लीगल हो आपको पानी सबको देना है। अगर आज के दौर में भी अगर हम लोगों को पानी नहीं दे सकते झोपड़पट्टी में और हम 25 से 30 साल से हम लोग उधर लीड कर रहे हैं तो कौन सा प्रोग्रेस, क्या प्रोग्रेस मुझे बताइए, मुझे प्रोग्रेस नहीं लगता है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा क्या तुरुबा स्टोर चेंज नहीं हो गया, तुरुबा स्टोर जैसा पहले था उससे आपको सिर्फ रोड पे दिखेगा, जैसे कि कुछ आपको डांबर का रोड दिखेगा, डांबर का रोड बन गया या गटर आप देखेंगे तो वो बन गया, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई, जो टॉयलेट बाथरूम की कंडीशन है, अभी आप देखेंगे तो हमारे एक सहयोगी है राजेंद्र इंगले साहब, उन्होंने सिर्फ एक कुछ हाथ में कुछ लेके एक बाथरूम के स्लैब को मारा तो स्लैब का जो प्लास्टर था वो नीचे गिर गया, मतलब फिर हम कौन से प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं? क्या किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, जो जो भी उधर का जो लोकल लीडर जो भी लीडिंग इतने साल से कर रहे हैं, जो बोलते हैं मैं कार्य सम्राट हूँ, ठीक है कार्य सम्राट हो, लेकिन आप कार्य सम्राट हो तो आप कर बताओ ना, आपने क्या किया है, क्या किया है आप मुझे बताओ। जैसे कि आज डंपिंग ग्राउंड तुर्बा स्टोर में ही है, जब कोपर खेड़ना में लोगों को तकलीफ थी तो हमने उसको तुर्बा स्टोर में लेके आया, अब तुर्बा स्टोर से हम लोग उसकी मांगनी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब को लेटर देके बोल रहे हैं कि गणपति पाड़ा में लेके चलो, मतलब आसमान से गिरे खजूर से हट के, क्यों, जो गणपति पाड़ा में जो लोग रहते हैं इंदिरा नगर में लोग रहते हैं वो जनता नहीं है क्या, वो पब्लिक नहीं है क्या? तो मेरा मानना है कि आप अगर आपको उतना ही मांगनी करना था ना तो आप ये नवी मुंबई का जो डंपिंग ग्राउंड है नवी मुंबई के बाहर ले जाना चाहिए था। अगर नवी मोरबे धरन से पानी नवी मुंबई में आ सकता है तो नवी मुंबई का डंपिंग ग्राउंड नवी मुंबई के बाहर क्यों नहीं जा सकता? Yes. जैसे कि हम लोग इधर 400 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए में हम लोग 60 एकड़ जगह खरीद रहे हैं, वही 200 करोड़ रुपए में नवी मुंबई के बाहर 400 एकड़ जगह मिलेगा। Yes. तो हम लोग उधर क्यों नहीं जा रहे? तो जो लोकल लीडर है मैं उन्हें उस चीज के लिए दोषी ठहराऊंगा। नहीं, आपकी नजर में कौन सी बड़ी तकलीफें हैं जो जनता वर्षों से झेल रही है और उसका समाधान आज तक नहीं तुर्बे स्टोर में हुआ है, तुर्बे इलाके में हुआ है? देखो, पहली बात तो है क्या, हम लोग का अभी तक हम लोग काफी टाइम से सोच रहे हैं कि किधर तो उसका रीडेवलप हो जाए, कहीं हम लोग बिल्डिंग में चले जाएं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा वो है और दूसरा हमारा मुद्दा है जो डंपिंग ग्राउंड का, जो हम लोग 10 साल से उसको झेल रहे हैं। डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा इतना बेकार है मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लास्ट टाइम में जब नेत्रा शिर्के जी मैडम जब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थी, हम लोग वहां का दौरा किया था हमने, तो मेरी जो कार थी हमने वो कार को वहां पर लेके गया था डंपिंग ग्राउंड में, लेकिन डंपिंग ग्राउंड से जब हम लोग वापस आए, मैं जब सर्विसिंग सेंटर में गाड़ी लेके गया तो सर्विसिंग सेंटर वाला गाड़ी को सर्विस करने को नहीं ले रहा था। तो आप सोचिए, और गाड़ी को मैंने 4 दिन तक मेरे घर पे खड़ा रखना पड़ा क्योंकि गाड़ी में से उसकी स्मेल नहीं जा रही थी। तो आप सोचिए, अगर मैं वहां से तो गाड़ी की स्मेल 4 दिन से गाड़ी में से नहीं गई तो जो हम लोग रह रहे हैं, जो पब्लिक रह रही है, वो कैसे रह रही है, कैसी जी रही है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उसको लेकर तो ये भी बीच में मसला हल होने की बात चल रही थी कि अभी जगह शिफ्ट हो रही है और यहाँ के लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी, विधायक का सम्मान भी किया गया था, हुआ क्या? आप तो उस अभी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, एक्चुअली क्या है मालूम है क्या, ये सब पॉलिटिक्स फंडे हैं। मैं एक ही चीज के लिए बदनाम हूँ कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ या मैं सामने बोलता हूँ, कुछ लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आती, लेकिन ये सब इलेक्शन के फंडे या तो अपना कुछ तो नाम चमकाने का काम है। अगर ये शिफ्ट होने वाला रहता तो 10 साल से तुमने 50 बार उसके लिए तुमने मोर्चा धरना सब किया, क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था, आप पहले करके बताओ। जैसे महानगर पालिका ढिंढोरा पीटती रही है कि पूरे नवी मुंबई में 24 घंटे 12 महीने पानी मिल रहे हैं,
और आप कह रहे हैं कि वहां पर पानी जो है बोरिंग का सप्लाई हो रहा है, तो ये इसमें सच्चाई क्या है? अभी जो मैं बोल रहा हूँ जो बोरिंग का पानी मिल रहा है इसमें, मतलब मैं ऐसा नहीं क्या इलेक्शन आ रहा है या मैं इलेक्शन के लिए कह रहा हूँ, ऐसी भी बात नहीं। जब जिस दिन लॉकडाउन घोषित हुआ तो उस दिन मैंने सोचा था क्या हर पांच वर्ष ये पब्लिक हमारे साथ में खड़ी होती है, आज उन्हें हमें हमारी जरूरत है। और जब हम लोग एरिया में काम करने के लिए गए तो हमने कोई पार्टी का लेबल या कोई पॉलिटिक्स का एजेंडा हमने लेके नहीं गया, हमने कोई पार्टी का नाम भी नहीं बताया हम कौन से पार्टी से कर रहे हैं, जबकि हमको इसके लिए आश्वस्त नाइक साहब ने किया था, गणेश नाइक साहब ने बोला था जो लोगों की जरूरत है वहां तक पहुंचो, वहां तक उनकी क्या समस्या है उनकी जानो, लेकिन हमने कभी वो चीज को यूज नहीं किया। हमने उनको ये नहीं बताया कि हमको कोई पॉलिटिक्स पार्टी भेज रही है, उन्हें ये नहीं लगना चाहिए क्या ये अपने राजकारण के हिसाब से आ रहे हैं। जब हमने उधर लोगों को खाना मतलब बांटने का सोचा, हमने देने का सोचा, तो जब खाना बनाने की बात आई तो मुझे पता चला कि इधर के लोग बोरिंग का पानी पी रहे हैं। हम बोल रहे हैं 21वें शतक का हमारा शहर है। अभी हमको कुछ हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत में तीसरा नंबर और महाराष्ट्र में पहला नंबर मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा कि हम इसके हकदार है ही नहीं। हम अगर लोगों को हमारा खुद का मोरबे धरण, हमारा खुद का धरण होने के बावजूद अगर हम नागरिकों को पानी नहीं दे सकते तो हमें उसका अधिकार नहीं है। नवीन भाई को अभी देश का सबसे तीसरा सबसे स्वच्छ शहर जो है बताया गया है, एक पुरस्कार मिला है महानगर पालिका, यहाँ से लेकर दिल्ली तक इसका ढिंढोरा पीट रही। इसके पहले भी कई बार संतकार के वह स्वच्छता अभियान और उसके बाद लास्ट ईयर 8वें नंबर पर महानगर पालिका रही है कि आज भी नवीन भाई के 8 प्रभागों में ऐसे सैकड़ों इलाके हैं जहां पर आज भी ढंग की स्वच्छता नहीं होती है, ठीक से घन कचरा व्यवस्थापन नहीं होता है, इसके बावजूद भी इस सिटी को तीसरा सबसे स्वच्छ शहर किस हिसाब से आखिर इसको पुरस्कार दिया जाता है? आपने बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या जो भी सर्वे करने वाली टीम है मैं उनसे कहूंगा कि जो आपको जो साफ सुथरे शहर दिख रहे हैं आप उनका सर्वे मत कीजिए, आपको अगर करना तो पूरे नवीन भाई का सर्वे कीजिए, जहाँ पे जैसे कि आप जो भी 6 या 8 वार्ड का बता रहे हैं, ये जैसे आपको अगर पता है इस चीजों के बारे में तो जो सर्वे कर रहे हैं उन्हें नहीं पता है क्या? अगर हमको अवार्ड ही लेना है तो हमें पूरी तरह से पूरा नवीन भाई को पूरा क्लीन बताना पड़ेगा। हाँ, तो बाकी ठीक है, हम मानेंगे जो नवीन भाई शहर है उसके मुकाबले में महाराष्ट्र में कोई शहर नहीं है, क्योंकि मैं भी काफी जगह जा चुका हूँ, काफी जगह घूम चुका हूँ, उसको उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन हम और जैसा कि अभी हम तीसरे इंडिया में तीसरे क्रमांक पे हैं, तो शायद वो तीसरे क्रमांक पे होने का रीजन भी ये हो, ये जो आप जो 8 वार्ड या 6 वार्ड बता रहे हो शायद ये हो। अगर हम उस जो 6 या 8 वार्ड है अगर हम उसको क्लीन कर दें तो शायद हम कहीं फर्स्ट रैंक पे हो सकते हैं, तो हम थर्ड पे क्यों रहे, फर्स्ट पे क्यों नहीं? देश में पूरी दुनिया में ये कोरोना इस तरह से रहा कि लोग बहुत मुसीबत में आ गए, इस दौर में आपने लोगों की सेवाएं किस तरह से की, ये पूरा जो 4-5 महीने का जो दौर रहा है? सही मायने में देखा जाए तो कोरोना जो है वायरस बहुत ही खतरनाक है, जिनके ऊपर उस चीज की आपदा आ रही है उन्हें ही पता है क्या वो कितना खतरनाक है। लेकिन इस कोरोना की वजह से जो भी नेता लोग जो भी नेतागण थे उनका असली चेहरा सामने आया हुआ है। जब लोगों को जरूरत थी तो लोग अपने गांव में जाके बैठे थे, और जब खत्म होने के लिए आ गया जब कोरोना वायरस, अभी आगे आप राजकारण कर रहे हो तो लोग उस चीज को पहचान चुके हैं। लोग ये सब चीज जान चुके हैं कि अभी जो भी हो रहा है सब ये दिखावा है। जब उनको हकीकत में जरूरत थी, जैसे कि मैं वार्ड में जब घूमता था तो मैं मास्क यूज नहीं करता था, मास्क यूज करने का नई रीजन ये था कि जैसे जहाँ पे मैं झोपड़पट्टी में मेरा भी जन्म मैंने आपको बताया झोपड़पट्टी में हुआ है, तो झोपड़पट्टी में कम एजुकेटेड लोग हैं, मतलब एजुकेशन नहीं है, मतलब काम जैसे कि अगर सवेरे काम पे जाएंगे तो शाम को उनका चूल्हा जलने वाला है। अगर मैं इतना खुद को सेफ्टी इतना बांध के जाऊंगा तो मेरे को देख के और डरेंगे वो। तो मेरा इंटेंशन ये था कि मैं उनका साहस उनको बढ़ाऊं, उनको कैसा उनको मतलब उन इस सब चीजों से बाहर निकालूं। तो जब मैंने उधर खाना लोगों में मैंने मुफ्त बांटना चालू किया, जैसे कि लोगों ने कुछ कंटेनर में बांटते, मैंने कंटेनर में नहीं देता था मैं, क्योंकि कंटेनर में एक आदमी पेट भर से खाना नहीं खा सकता। तो हम लोग एक एक जगह पे दो दो तीन तीन थैलियां हम लोग तीन तीन पैकेट हम लोग देते थे वहां पर, और लोगों को हकीकत में उस चीज की जरूरत थी। और जब पहला कोरोना वायरस जब इंदिरा नगर में मिला तो मैंने उसी दिन से
उधर खाना बनाना मैंने बंद कर दिया था क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा है जो दिखता नहीं है। अभी हम लोग बैठे, क्या पता आपको है या मुझे। तो मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, उनकी वजह से मेरे तरह आ गया तो ठीक है, लेकिन मेरी वजह से अगर मेरे परिवार तक आता है तो वो धोखा हो सकता है। या मेरी वजह से मैं लोगों के बीच में जो जा रहा हूँ, मेरी वजह से अगर उनको होता है कोरोना या उनके फैमिली तक जाता है तो उनको तकलीफ होती है, हो सकती है। इसके लिए हम लोगों ने उस दिन से हम लोगों ने खाना बनाने का हम लोगों ने बंद कर दिया, लेकिन उस पर भी राजकारण किया गया, थक गया, ये हो गया, वो हो गया। तो थकने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हम तो स्टैंड अप ही हुए हैं। लेकिन जो तुम पहले से जो तुम वो ट्रैक के ऊपर बुलेट ट्रेन की तरफ भाग रहे हो, तुम क्यों रुक गए, तुम्हारे को क्यों रोक लग गई। हम तो अभी लोकल ट्रेन के जैसे वो जो इंजन गाड़ी आती जो कोयले वाली झुकझुक आते हम उसके ऊपर है अभी, तुम तो बुलेट ट्रेन के ऊपर थे। लेकिन हमने हमने लोगों को बोला, लोगों को जाके मिला, उनको बताया हमने क्या 5 साल आप लोग हमारे पीछे हमारे साथ में खड़े रहते हो, आज आपको हमारी जरूरत है और हमें उनके साथ में खड़ा रहना पड़ेगा। और मैंने जैसा कि झोपड़पट्टी में जन्म हुआ तो मुझे लोगों की तरह तकलीफ अच्छी तरह से पता है, इस वजह से मैंने उनके साथ में हर चीजों के साथ में मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। भाई आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मतलब आपको लोग, बहुत सारे लोग आपको युवा नेता मानते हैं, किस तरह से आप अपनी भूमिका को देखते हैं? नई मुंबई के युवा नेतृत्व संदीप जी नाइक साहब, मैं उन्हें युवा नेता मानता हूँ। हमारे जो माजी खासदार है संजीव जी नाइक साहब, मैं युवा नेता वैभव जी नाइक साहब को मानता हूँ क्योंकि वो भी एक युवा नेता है बीजेपी के। सागर जी नाइक साहब को आप युवा नेता कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप को युवा नेता नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं एक पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता अपने आप को समझता हूँ। आने वाले चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? जो महानगर पालिका का चुनाव होगा वो तुर्वे स्टोर खासकर क्योंकि नगर सेवक है, उन्होंने पार्टी चेंज कर दी है जबकि इतने साल तक गणेश नाइक के साथ रहे, आप इस ट्रांजिशन को, इस परिवर्तन को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? जो तुर्वे की जो पब्लिक है वो कल भी नाइक साहब के साथ में थी, और जो भी उधर के, जैसा आप बोल रहे, जो भी नगर सेवकों ने जो उधर से रिजाइन किया या जो भी किया है या पार्टी को छोड़ा है, तो वो जो नगर सेवक थे वो भी नाइक साहब की वजह से ही थे। उनको लोग अगर पसंद करते थे तो नाइक साहब की वजह से पसंद करते थे, और आने वाले दिनों में भी तुर्वे स्टोर के या तुर्वे विभाग के जो लोग हैं वो नाइक साहब को ही पसंद करेंगे। इस परिवर्तन का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, जो नवी मुंबई है, नवी मुंबई में नाइक साहब कौन से पार्टी में है वो ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि नाइक साहब को नवी मुंबई में एक मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है। नवी मुंबई मतलब गणेश नाइक साहब है। जब नाइक साहब शिवसेना में थे तो भी महापौर हमारे शिवसेना का था। जब नाइक साहब राष्ट्रवादी में आए, जब राष्ट्रवादी में आए तो बहुत से लोगों ने बोला नहीं अभी खत्म हो गया, अभी खत्म हो गया। ऐसी खत्म होने की बातें जिंदगी भर चलती रहेगी। तो जब नाइक साहब राष्ट्रवादी में थे तो महापौर राष्ट्रवादी का ही था, और आज नाइक साहब बीजेपी में, तो आने वाले में दिनों में भी महापौर बीजेपी का ही होगा। तुर्वे स्टोर की जो जनता है लंबे समय से एक उड़ान पुल की डिमांड कर रही थी, लोग, सैकड़ों लोग उसमें जख्मी हुए हैं हाईवे पर क्रॉस करते हुए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर आपको कोई काम करना हो तो आपकी इच्छा शक्ति चाहिए। अगर आपकी इच्छा शक्ति होगी तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं जो उड़ान पुल क्यों नहीं हुआ, तो जो, जैसा कि जब वो उड़ान पुल जब पास हुआ तो नाइक साहब की वजह से पास हुआ था। नाइक साहब ने कहा था क्योंकि नाइक साहब उस जो हम लोग जो भुगत रहे हैं वो तकलीफों से वो ज्यादा वो बेहतर जानते हैं लोगों के। अगर उन्होंने नई मुंबई का पालक तत्व किया हुआ है तो उन्हें अच्छी तरह से पता है, तो उन्होंने उस चीज को पास किया हुआ था। आज वो नई मुंबई का जो उड़ान पुल जो तुर्वे का है वो आज नाइक साहब की वजह से ही मंजूर हुआ है। जब मंजूर हो गया हम लोगों ने उसका बैनर लगाया, सब किया, लेकिन कई और लोगों ने भी बैनर लगाया, हमने किया है, हमने किया है। जब तुमने किया है तो फिर ब्रिज रुका क्यों है अभी तक? आप उसके पीछे क्यों नहीं लगे? आपका काम है, अगर हम किसी एक मुद्दे को लेकर चलते हैं वो मुद्दा जब तक पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है तो हम उस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहिए। अभी इतने लोगों ने उसके लिए जान दे दी, ठीक है, हमने महानगर पालिका में हमने बोला क्या नहीं हमको उड़ान पुल चाहिए, सब बात ठीक है, लेकिन जो उड़ान पुल के वजह से जो लोगों की जान गई है उनके लिए आपने क्या किया? उसका जवाब मांगिए उनसे, क्या किया? एक और हमने और एक बोला था, जो अगर हमको अभी वाशी जाना है तो हमको पूरा तुर्बा नाकी की ओर हमको पूरा घूम के आना पड़ता है। तो हमने उस टाइम में संजू नाइक साहब जब खासदार थे, हमने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा था, अगर तुर्बे के जो स्टेशन है, अगर उसके अंदर अंडर पास है, जिस तरह से कोपर खेड़ना रेलवे स्टेशन के अंदर उस तरह से अगर होता है
तो ये एक पब्लिक लिए एक संजीवनी जैसा हो जाएगा। जैसे कि बहुत से लोगों को अगर स्कूल जाना है, हॉस्पिटल जाना है, तो पूरा नाके घूम के आना होता है उनको। अगर इधर से सीधा जाएंगे तो 20 रुपए होंगे, वहां से आएंगे तो 50 रुपए होंगे। जब संजू नाई साहब ने उस मुद्दे को हमने जाके संजू नाई साहब को हमने थाने में मिला, उनके ऑफिस में, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने सिडको ऑफिस में फोन किया, सिडको ऑफिस में हमें अधिकारी को मिलने बोला, हम अधिकारी को मिले, जो उधर के जो उस टाइम वक्त के नगर सेवक थे त्रुभा स्टोर के, हम साथ में ही थे, और जो उस टाइम के जो शहर अभियंता थे मोहन डगावकर ने बोला नहीं, अगर हम काम करेंगे, महानगर पालिका काम करेगी तो खर्चा हमारे ऊपर आ जाएगा, और उन्होंने चापलूसी पॉलिसी वाली बात इनके सामने की, और ये वो बात के लपेटे में आके वापस आ गए। जबकि इनका उस टाइम में ये होना चाहिए, बात ये होनी चाहिए थी कि अगर महानगर पालिका का पैसा जा रहा है, यानी जनता का पैसा है, और हम जो काम बता रहे हैं वो जनता का काम बता रहे हैं, हम हमारे घर का काम नहीं बता रहे। अगर उस मुद्दे को हम उस टाइम अगर पकड़ के रखे होते तो आज वो जो अंडर पास जो एरिया है जो हम बनाने की बात कर रहे हैं, वो कब से चालू हो गया हो। आपको लगता है कि ये जो अगला चुनाव है इसमें जनता कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल पूछेगी, उड़ान पुल का सवाल पूछेगी, अंडरपास का सवाल पूछेगी, अच्छे शौचालयों का सवाल पूछेगी, अच्छे विद्यालयों के बारे में सवाल पूछेगी? नहीं, जनता ये चार मुद्दे नहीं, ये चार मुद्दे को छोड़ के और बहुत से सवाल पूछेगी, बहुत से सवाल पूछेगी। ये तो समझो ये पास्ट हो गया, ये जो अपन अंडरपास का बोल रहे हैं या ब्रिज का बोल रहे हैं, भूतकाल का मुद्दा हो गया है। जब कोरोना की जब जो प्रेजेंट जो अभी है वर्तमान में, उसका सवाल पहले पब्लिक पूछेगी कि हमको जब जरूरत थी तब सब किधर थे, सब नदारत थे, सब नदारत थे, बस आके फोटो खिंचवाना, बस वही एक मकसद था। और हमको कहा गया नहीं इधर से लाते हैं, उधर से लाते हैं, ये करते, अरे हम चोरी करके लाते हैं, चोरी करके लाते हैं हम, लेकिन जिसका पेट भरना है उसका तो पेट भर रहे हैं ना। तो तुमने क्यों नहीं किया, तुम्हारा काम नहीं था? सिर्फ हम जब तक जिंदा है हम सिर्फ नाम रखेंगे कि ये ऐसा है वो वैसा, करेंगे कुछ नहीं। और आज भी वही उनकी जो रणनीति वही चालू है। अच्छा, आपने अभी हाल ही में जब नवीन भाई को स्वच्छता क्रमांक में 3रा नंबर मिला, उसके बाद आपने सफाई कर्मियों का सत्कार किया, थोड़ा अनूठे ढंग से किया, क्या मन में आया था आपको, कैसे आपने उनका सम्मान किया? जैसे कि मैंने आपको अभी ये तीसरी बार बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला मेरा जन्म झोपड़पट्टी में हुआ है, तो जो भी कामगार वर्ग हैं वो झोपड़पट्टी से ज्यादा बिलोंग करते हैं। और कोरोना के जो महामारी में हमने डॉक्टर जो थे, डॉक्टर्स को हमने कोरोना योद्धा ठहराया, पुलिस कर्मी थे हमने उनको कोरोना योद्धा ठहराया, डॉक्टर्स थे वो पूरे किट के साथ में होते थे, जबकि जो रोड पे काम कर रहे हैं जिनकी वजह से आज ये महानगर पालिका का इतना बड़ा सम्मान मिला है, वो किस तरह से रोड के ऊपर थे इसका किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि हमने खुद देखा हुआ है, अगर कोई अधिकारी बोलेगा नहीं वो झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने खुद देखा हुआ है। तो फिर हमने हमारे फैमिली में हमने आपस में डिस्कस किया कि गणेश चतुर्थी आ रही है, अगर हम उनको पुष्प गुच्छ और शॉल के साथ साथ एक मिठाई का बॉक्स, और जो महिला होंगी उनको साड़ी, और जो पुरुष होंगे अगर उनको हम पैंट शर्ट देंगे, तो उनका गणेश चतुर्थी है वो काफी अच्छे से उनकी हो जाएगी। और जब हमने उनको दिया तो कुछ कामगार वर्ग थे, उन एक कामगार के आंख में से पानी आ गया, वो बोले साहब 25-30 साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जैसा आपने किया वो किसी ने नहीं किया। तो मैंने उनको बोला मैं भी आप लोगों के बीच का ही हूँ, तो मैं आपकी तकलीफ अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। यस यस, आगे क्या प्लानिंग है चुनाव को लेकर, किस तरह से प्रतिनिधित्व करने की तैयारी है आपकी इस चुनाव में? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा उधर है पानी का है, जैसे कि मैंने बोला अभी आप जो महावीर क्वारी का बता रहा हूँ, अभी हम बीच में स्वच्छता भारत अभियान जो चला रहे थे नवी मुंबई में, लेकिन महानगर पालिका ने स्वच्छता अभियान चलाया किधर? जैसे कि शौचालय, जो शौचालय की जो जरूरत होती है, अभी भी आप चले जाइए जहां जिस जगह की मैं पानी की बात कर रहा हूँ, आज आप उधर जाइए आपको उधर एक भी शौचालय नहीं मिलेगा, एक भी शौचालय नहीं मिलेगा, फिर किस तरह का स्वच्छता भारत अभियान? तो मेरा सबसे बड़ा उधर एक इंटेंशन ये, पहला तो ये है कि मुझे जो डंपिंग ग्राउंड जो गणपति पाड़ा में आने वाला है, मुझे किसी भी तरह से उसको वहां पे आने देना नहीं है, चाहे उसके लिए कुछ भी कोशिश, जितना मेरे से होगा, लेकिन बाकी तो प्रशासन के ऊपर ही है।
अगर पाकिस्तान प्रशासन अड़ के बैठ गया तो उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर वो अपनी जीत के ऊपर अड़ के बैठ गया तो। लेकिन हमारे से जितना कोशिश होगा, हम नाइक सबसे बात करके हम लोग यही करेंगे कि दादा ये नवी मुंबई के बाहर इसको शिफ्ट करने का कोशिश करो। और दूसरा मेरा मुद्दा रहेगा नाइक सब के पास में, क्या जैसे कि अभी हमने एक कॉन्वेंट स्कूल चालू किया है कोपरखेटा, तो जो हमने सेक्टर के जो भी जो सेक्टर में लोग रहते हैं सीबीएसई जो चल, काफी बच्चे लोग कॉन्वेंट स्कूल में ही रहते हैं। लेकिन हम लोग जो झोपड़पट्टी के भाग से हम लोग रहने वाले हम लोग हैं, तो हम लोग अगर अच्छे से अच्छा हमको शिक्षण अगर पाना हुआ तो हम लोग डॉक्टर सीताराम सामंत विद्यालय है वहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि मेरा भी शिक्षण वहीं पे हुआ है। अगर हमें इंग्लिश पढ़ाना हुआ बच्चे को तो हम सेमी इंग्लिश स्कूल अदरक अपना ICL स्कूल हम वहाँ पे चले जाएंगे। तो एक कॉन्वेंट स्कूल की जरूरत झोपड़पट्टी में है, क्या वो स्कूल में सिर्फ झोपड़पट्टी के ही बच्चे पढ़े, और मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि उनका शिक्षण फ्री में हो, क्योंकि जहाँ जहाँ फ्री में एजुकेशन होता है वहाँ के स्कूल की हालत बहुत ही बदतर होती है। तो उनके नाम मात्र को मात्र उनसे शुल्क लेके वो वहाँ पे चालू किया जाए। और दूसरा मेरा था जैसे कि अभी एक उधर समाज मंदिर बात मैंने आपको पहले बोला, जो झोपड़पट्टी के लोग होते उनके तकलीफें बड़ी नहीं होती, उनकी तकलीफें छोटी होती हैं। अभी उधर एक समाज मंदिर, जैसा कि अभी हमें शादी वगैरह अगर हमारी लड़की या लड़के की करनी होती है तो हमें जो सानपड़ा के जो दत्त मंदिर जी का मंदिर है हमें वहाँ के हॉल में जाना पड़ता है शादी के लिए, तो क्यों ना एक हम उधर एक समाज मंदिर बना दिया जाए। समाज मंदिर अगर हम उधर लाते हैं तो किसी को किधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वहाँ पे पानी आना बहुत जरूरी है, ये दो मेरा रहेगा। और तीसरी सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सबसे बड़ा मुद्दा जो हर बार लोगों ने बस उसको इलेक्शन ही मुद्दा बनाया हुआ, हर बार इलेक्शन ही मुद्दा, जो 2000 में सर्वे हुआ था, झोपड़पट्टी का सर्वे हुआ था, झोपड़पट्टी के सर्वे में 30 से 40 लोगों को रिजेक्टेड किया गया हुआ। तो ये कोई ये विषय को लेता ही नहीं है, बस सब लोगों को लग रहा, हमारे झोपड़पट्टी वासियों को लगता है कि नहीं हमारे पास में तो सर्वे पावती है। सर्वे पावती होना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारा सर्वे पावती रिजेक्टेड है या वो मंजूर है वो भी आपको देना देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका झोपड़पट्टी में अगर सर्वे पावती अगर रिजेक्टेड है और कल को अगर वो रीडेवलप में जाता है तो आपको जो भी रीडेवलप को जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो मेरा प्रशासन से एक ही मतलब, अगर हम लोग कल उधर सीट से अगर हम लोग आते हैं तो मेरा ये रहेगा कि महानगर पालिका के जो भी अधिकारी हैं उनको बात करके, जो भी हमारे जीआर जो भी 2007 का है, जो भी 2010 का जो भी जीआर होगा वो जीआर के तहत एक बार फिर से झोपड़पट्टी का सर्वे हो, और जिनके पास में जो भी 2007 या 2010 का जो भी पुरावा हो वो देख के उनका जो सर्वे पावती है उसको अपात्र न करते हुए सबको पात्र किया जाए। क्योंकि काफी लोग झोपड़पट्टी में ऐसे लोग हैं जिनके सामने मेरा जन्म हुआ है लेकिन उनके सर्वे पावती अपात्र है, कैसे अपात्र हो सकते हैं? अगर मेरा जन्म उधर हुआ है, आज मेरा उम्र 38-40 साल उम्र है, अगर मेरा जन्म हुआ है मेरे से पहले से लोग उधर रह रहे हैं, वो 40 साल रहने के झोपड़पट्टी में रहने के बावजूद भी उनका जो सर्वे पावती अपात्र है तो कैसे अपात्र हो सकता है? इसके पीछे कौन है? और हर बार यही मुद्दा ना, या वेळी अपन हे करू ते पात्र करून घेऊ, पात्र केलं ऐसा बोलने से होता नहीं है, उसके लिए जो एक प्रोसीजर है प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो भी झोपड़पट्टी में अपात्र लोग हैं उनको किस तरह से पात्र किया जाए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि स्टेट में इस वक्त महागाड़ी की सरकार है, कितना आसान लग रहा है आपको अगर अगला चुनाव होगा तो ये जो सारे मुद्दे हैं वो आसानी से हल हो सकते हैं? जो महागाड़ी की जो सरकार है आप देखोगे तो उनमें खुद में ही तालमेल नहीं है। जैसे कि अभी मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जैसे कि आप खुद स्टेटमेंट पढ़ते हो तो उनका स्टेटमेंट खुद एक दूसरे के खिलाफ में है। कोई बोल रहा है कि वो डॉक्टर है, कोई बोल रहा है कंपाउंडर है, तो उनमें खुद ही उनका एक मिलाप नहीं है। और जो बीजेपी पार्टी है वो एक साइड में है, अलग ही है, मतलब वो किसी का हिस्सा नहीं है, किसी पार्टियों को लेके हिस्सा नहीं है वो। तो अगर नवी मुंबई का विकास हमको करना है तो हम नवी मुंबई अगर इतने सक्षम है कि हम महानगर पालिका के जरिए हम वो हमारा काम करवा सकते हैं। और अगर रही सत्य की बात, जैसे कि आप कह रहे हो कि जो स्टेट में जो सत्ता बैठी है वो शिवसेना या राष्ट्रवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की है, अगर सत्ता उनकी होगी
तो अगर हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए वो उनका अड़ंगा रहेगा क्या? मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा, अगर हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, अगर हम बुरा काम करेंगे तो मैं जरूर चाहूंगा कि उसमें वो दखल अंदाजी करे, लेकिन जब अगर हम अच्छा काम करना चाहेंगे तो सीधी सी बात है उनका हमको सपोर्ट ही रहेगा उस चीज के लिए। किस तरह से संघर्ष आप करेंगे तुर्बे स्टोर की जनता के लिए आने वाले समय? संघर्ष तो बहुत बड़ा है, संघर्ष बहुत बड़ा है, जितना हम लोग उसको मतलब हल्का ले रहे हैं उतना हल्का नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं उनकी समस्या काफ़ी है और उसको समस्या को वो समस्या में से निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक मैंने मेरा विजन रखा बनाया हुआ है कि नहीं, मुझे झोपड़पट्टी के लोगों के लिए कुछ तो करना है। मेरा ये रहेगा कि अगर मैं कल को झोपड़पट्टी में अगर हम लोग उधर इलेक्शन जीत के आते हैं तो लोगों को मैं ऐसा क्या करूँ जो उनको अच्छा लगे, नाम ले, मतलब उनको ऐसा लगे कि नहीं कल जो था वो ऐसा था और आज जो है वो ऐसा है, वो फर्क का डिसाइड वो खुद करे, वो मैं फर्क नहीं कर सकता, क्योंकि जो काम होने वाला है या जो नहीं हुआ है वो सब उधर की जो जनता है उसके सामने है। आने वाला वक्त निश्चित तौर पर लॉकडाउन से जब बाहर निकलेंगे तो बहुत चुनौतियों भरा होगा, मुश्किलें बहुत ज्यादा होंगी, और जिस क्षेत्र को आप बिलोंग करते हैं वो पूरा श्रमिक और कामगार वर्ग का इलाका है, ऐसे में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में वाकई अच्छे दिन आएंगे? जैसे कि हमने देखा, जैसे मोदी साहब जब भारत में जब पंतप्रधान बने वो, तो हमको बहुत से चेंजेस हमको दिखाई दिए, तो उसी तरह से जो हम जो झोपड़पट्टी के जो लोग हैं, जो आज हम लोग 25 साल से एक ही चेहरा देख रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि अगर लोग उस चेहरे को चेंज करते हैं तो हकीकत में उनको चेहरे में भी बदलाव दिखेगा, और जो आपके जो प्रभाग हमारे जो जो प्रभाग में जो तकलीफें हैं उसमें भी उनको बदलाव दिखेगा। बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने मेरे सवालों का, बहुत सारे कठिन सवालों का भी आपने जवाब दिया, और जैसे आपने उम्मीद की है कि तुर्बे स्टोर और जो पर्टिकुलर इलाका है नवीनबई का, वो निश्चित तौर पर उसके अच्छे दिन आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर आप ये संघर्ष आपने छेड़ा है, उस संघर्ष में आप सफल हों। आज की बस बातचीत में इतना ही, अब हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए टीवी वन इंडिया। नमस्कार, धन्यवाद शर्मा जी। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।